को नमस्ते, हेलो, वेलकम। और आपको तो हैप्पी न्यू ईयर रेनू जी, क्योंकि हम फेस टू फेस तो न्यू ईयर में अभी मिल रहे हैं। हैप्पी न्यू ईयर आप सब लोगों को भी। और मधुलेन और आचरी को भी, और सभी मास्टर जो जुड़ने वाले हैं सभी को वेलकम वेलकम। आज हम एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत, टचिंग, लवली टॉय इनर चाइल्ड वाला टॉपिक से हम सुनेंगे। लेकिन उससे पहले हम डॉक्टर रेणु त्रिपाठी का बहुत अच्छे से वेलकम करना चाहते हैं। ये पहली बार नहीं है कि वो इस वाले प्लेटफॉर्म पे आ रही हैं। वो कई बार हमें कई सारी अच्छे अच्छे सेशंस बता चुकी हैं। और मैं उनको मिली थी, हम कर रहे थे सोल कोच ट्रेनिंग प्रोग्राम हैदराबाद में। तो कौन डॉक्टर सा रेणु यूनिवर्सिटी का? QLU यूनिवर्सिटी का डॉक्टर न्यूटन के यहाँ पर, और वही ये मटर ही छील रहे थे। आजकल भी मटर ही छीलते रहते हैं पूरे सही टाइम। बात है। तो फेब्रुअरी मंथ का टाइम था। हाँ, तो एनीवेज, डॉक्टर रेणु त्रिपाठी भिलाई में रहती हैं, और इनका एक यूट्यूब चैनल है स्पार्कल योर सोल। आप उस पर भी जाइएगा, बहुत अच्छे अच्छे सेशंस इन्होंने किए हैं। और इसके अलावा ये इससे पहले इंजीनियरिंग कॉलेज में फिजिक्स पढ़ाते थे, और अब इन्होंने सोचा, इनके कुछ चैलेंजेस भी थे और उससे वो सक्सेसफुली बाहर आए। इन्होंने क्या क्या प्रिंसिपल्स उसमें अपनाए थे, उन्होंने पूरे एक सेशन में हमें बताया था ऑब्जेक्ट साइंस के थ्रू और बहुत सारी चीजें। लेकिन आज ये इनका एक नया, एक शौक है, एक पैशन है, इनर चाइल्ड हीलिंग। तो आज ये इनर चाइल्ड हीलिंग के बारे में हमें बताएंगी, और हम इनसे क्या आज सुनेंगे इसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, और हम सभी लोग एक्साइटेड हैं। मैम, ये कुछ ना, ये काफी लोग, राजश्री, अनघा, मधुबन जी, ये सभी लोग बहुत एक्साइटेड हैं। मैंने सुबह भी इसकी चर्चा की थी। तो ओवर टू यू मैम, एंड वेलकम वेलकम डॉक्टर रेणु। थैंक यू सो मच। थैंक यू राजश्री जी और मधुलिन मैम, कुलकर्णी मैम एंड अनुराधा जोशी मी, आपने इनवाइट किया हमको अपने इस फोरम पे। थैंक यू सो मच। और मैम आप को-होस्ट बना देंगे तो मैं स्क्रीन शेयर कर पाऊंगी। को होस्ट आप ट्राई कीजिए, आप हैं को होस्ट। ओके देखती हूँ। ठीक है तो यस यस शैल वी स्टार्ट। यस यस मैम, थैंक यू। थैंक यू एवरीवन फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। सबसे पहले हम ब्रह्मश्री पीताम्बा पत्री जी को नमन करेंगे और उसके बाद हम अपना सेशन शुरू करते हैं। सो व्हाट इज इनर चाइल्ड? इनर चाइल्ड क्या है? अगर हमको अपनी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करना है, अगर हमको अपनी एनर्जी को हील करना है, हायर लेवल ऑफ एनर्जीज पे वाइब्रेट करना है, तो हमको थोड़ा अपने बचपन के दिन पे जाना पड़ेगा, बचपन की यादों को देखना पड़ेगा और बच्चा किस तरीके से सोचता है, क्या उसकी फीलिंग्स रहती हैं, उसको देखना पड़ेगा। जैसे हम लोग को सबको पता है कि डायमंड होता है, तो डायमंड में जितने भी एंगल्स होते हैं, जितनी उसकी एजेस शार्प होती है, उतना ही उसका प्राइस बढ़ता है। उसी तरीके से हम लोग हैं और हम लोगों की कॉन्शियसनेस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा इनर चाइल्ड। और उस कॉन्शियसनेस का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इनर चाइल्ड, वो बहुत ही सेंसिटिव है और बहुत ही एसेंशियल है, क्योंकि अगर हम उसकी हीलिंग करते हैं, उसको हम लोग समझ पाते हैं कि इनर चाइल्ड हमारा क्या चाहता है, तो हम जो है अपने को हील कर पाते हैं। और अगर हम अपने को हील कर पाते हैं, तो जिस तरीके से डायमंड का जब एजेस शार्प होती है, एंगल शार्प होते हैं, तो उसकी वैल्यू बढ़ती है, तो उसी तरीके से हम अपनी वैल्यू और बढ़ा सकते हैं। और जो हमारा एक अंदर एक इनफाइनाइट पोटेंशियल है, हम उस चीज का बाहर निकल करके आ सकते हैं। सो दिस इज द बेसिक जिस्ट ऑफ इट कि हम लोग को इनर चाइल्ड हीलिंग और इनर चाइल्ड के बारे में क्यों पता होना चाहिए।
तो जैसे ये आपने देखा है, ये फोटो में एक छोटा सा बच्चा है ये, और आप उसकी देखिए आंखें कितनी मासूम सी हैं, हंसी कितनी प्यारी है, और मन बिल्कुल निर्मल है, प्योर है। और यही चीज हमारे अंदर के इनर चाइल्ड की होती है। तो दीज आर सम ऑफ द क्वालिटीज ऑफ आवर इनर चाइल्ड। कभी भी आप देखोगे बच्चा इज फुल ऑफ लव, फुल ऑफ एंथुजियाज्म, हमेशा उसके चेहरे पे स्माइल होता है, बहुत क्रिएटिव होता है। छोटे बच्चों को अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल छोटी छोटी चीजों से ही वो गेम बना लेंगे, कुछ भी खेलेंगे, पत्ती मिल जाएगी पत्ती से खेलेंगे, कुछ भी चीज से खेलते हैं, लाइफ को एंजॉय करते हैं, लाइफ को पूरी अच्छी तरीके से जीते हैं। और जो बच्चे होते हैं वो बहुत ही ज्यादा स्पॉन्टेनियस होते हैं, कुछ भी आप बोलोगे तो बिल्कुल से आप देखोगे एक ऐसा जवाब निकल के आ जाएगा कि सब लोग बिल्कुल वंडरमेंट में हो जाते हैं, अरे वाह ये क्या आंसर है, ये क्या बच्चे ने कब बोल दिया, ऐसा कैसे कर लिया। और आप देखोगे छोटे बच्चे चाहे 1 साल का, 2 साल का, 5 साल का, 10 साल का, सब बहुत ही ज्यादा प्लेफुल होते हैं। तो ये सब बेसिक क्वालिटीज होती है इनर चाइल्ड की, डिवाइननेस होती है, अपने क्रिएटिविटी से कनेक्टेड रहते हैं। और हम सबके अंदर एक वो बच्चा छुपा है, गाना है ना दिल तो बच्चा है जी, तो वो चीजें हमारे अंदर सबके अंदर रहती है। जब तक हम दिल खोल के हंसते हैं, अगर हम अपने हमको जो करने का मन करता है अपनी क्रिएटिविटी से कनेक्टेड रहते हैं, तब हम देखते हैं कि प्लेफुलनेस से कनेक्टेड रहते हैं, मस्ती करते हैं, लोगों को फॉरगिव कर देते हैं जल्दी से, और फॉरगिव एंड फॉरगेट जैसे छोटे बच्चे करते हैं उस तरीके में रहते हैं। तो वी आर कनेक्टेड टू आवर इनर चाइल्ड। मगर होता क्या है कि हर बच्चे की, जो छोटा बच्चा होता है उसकी भी कुछ ना जरूरतें होती हैं, प्राइमरी नीड होती है। छोटा बच्चा है उसकी भी उसकी प्राइमरी नीड क्या है, उसको भी चाहिए रहता है रिस्पेक्ट। अगर बच्चा रो रहा है तो वो ये चाहता है कि उसके पेरेंट्स या केयर टेकर जो भी है वो उसको अंडरस्टैंड कर पाए और उसकी चीजों को सीरियसली ले पाए ले। तो दिस इज द प्राइमरी नीड ऑफ एवरी चाइल्ड की एलिस मिलर ने इसको बहुत अच्छे से बोला है कि बच्चे की नीड क्या है, कि रिस्पेक्ट मिले, अंडरस्टैंडिंग मिले, एंड दैट बच्चा शुड बी टेकन सीरियसली। बहुत बार हम लोग बोलते हैं ना, अरे वो बच्चा है रो रहा है कोई बात नहीं चलो हम लोग ये कर लेते हैं। उसी चीज को उन्होंने आइडेंटिफाई किया है, क्योंकि वो लोग भी डिवाइन एसेंस है और वो लोग चाहते हैं कि उनका प्राइमरी नीड को फुलफिल किया जाए। इस मोमेंट में जो हम लोग एज एडल्ट हम लोग अपनी लाइफ जैसे लीड कर रहे हैं, दैट इज अकॉर्डिंग टू द मैनिफेस्टेशंस ऑफ आवर पास्ट बिलीव्स। हमारी बिलीव्स कैसी रहती है, अगर हमारी बिलीफ हमारे बारे में, हमारी सराउंडिंग्स के बारे में, या जैसे भी क्रिएट है, अगर हम ये सोचते हैं कि आई एम फैट, तो नेचुरली ये चीज हम रेडिएट कर रहे हैं तो वैसे ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, मनी इज नॉट इजी टू अर्न, अगर आपकी ये बिलीफ है कि मनी इज नॉट इजी टू अर्न, तो आपको आप ये यूनिवर्स विल मेक इट श्योर कि आपको लाइफ में जो आपका बिलीफ सिस्टम है वो इंटैक्ट रहे, और आपको वैसे ही कंडीशंस, वैसे ही सिचुएशंस आती रहेंगी कि आपको हर बार लगेगा कि मनी इज वेरी डिफिकल्ट टू अर्न। अगर आपके अंदर का बिलीफ है तो कि आई एम नॉट स्मार्ट इनफ, आई कैन नॉट डू दिस थिंग, अगर ये सब बिलीव्स है तो आपको वैसे ही सिचुएशंस मिलती रहेगी, वैसे ही लोग आपको बार बार मिलते रहेंगे और बोलते रहेंगे कि नो यू आर नॉट स्मार्ट। जैसे एक बिलीफ में से ये भी है, मैन शुड नॉट क्राई। ये कोई भी अगर अभी बड़ा आदमी है, बचपन में जब वो छोटा था तो उस समय उसको मे बी उनकी सराउंडिंग से या कहीं से भी ये सुनने में आया कि मैन शुड नॉट क्राई, और उसके अंदर वो ये बिलीव आ गया, तो अगर उसको बहुत
एक्सप्रेस करने का मन कर रहा है अपने इमोशंस का, मगर वो गवर्न है अपने पुराने बिलीफ सिस्टम से कि मैन शुड नॉट क्राई, तो वो अपने इमोशंस को बाहर आने से रोकता है। दिस इज व्हाट हैपेंस कि ये जो हमारे जो एज एन अडल्ट जो हमारा बिहेवियर रहता है, दैट इज बिकॉज ऑफ आवर पास्ट कंडीशनिंग। जब हम एज अ चाइल्ड रहते हैं तो हमारी उस समय किस तरीके से कंडीशनिंग हुई रहती है, उसी तरीके से हमारा एज एन अडल्ट ये बिहेवियर रहता है। तो मगर इसमें कोई बहुत वरी करने की बात नहीं है, अगर आप अपना कोई भी बिलीफ, अगर योर इफ योर बिलीफ इज सर्विंग यू तो इट इज वेरी गुड, मगर अगर आपने अपना कोई बिलीफ ऐसा आइडेंटिफाई किया कि दिस इज योर लिमिटिंग बिलीफ, सो देयर इजंट एनीथिंग टू वरी, क्योंकि वो तो एक बिलीफ है दैट एंड थॉट से ही बिलीफ पे आता है, कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस थॉट इज योर बिलीफ, तो मगर बिलीव्स कैन बी चेंज्ड। तो अगर आज आप आइडेंटिफाई करते हैं कि अच्छा हाँ मेरा ये एक बिलीफ है, तो कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करने से आप उस बिलीफ को चेंज भी कर सकते हैं। मेरे चैनल में एक पूरा एक सेशन है 40 मिनट्स का बिलीफ पे ही। फिर ये है, देखिए हमारी जो चाइल्डहुड है, आवर चाइल्डहुड इज लाइक अ मून, और जिस तरीके से मून में एटमॉस्फेरिक क्लियर नहीं रहता है, नो आउटर एटमॉस्फेरिक क्लियर, सो अगर कोई भी मीटरॉड्स कोई भी पत्थर अगर उस पे फेंका जा रहा है, फेंका जाता है मून पे, तो क्योंकि मून के आउटर लेयर पे कोई प्रोटेक्शन का लेयर नहीं है, तो वो भी कोई भी पत्थर या कुछ भी है वो मून पे हिट करता है और उस मून में क्रैक्स होल्स और हर्ट आ जाता है, क्रैक्स होल हर्ट पेन ये सब चीजें मून के अंदर आ जाता है। सो आवर चाइल्डहुड जो हमारा इनर चाइल्ड है, इट इज लाइक अ मून, मून का कोई एटमोस्फेरिक लेयर नहीं, एटमॉस्फेरिक लेयर मतलब कि कोई प्रोटेक्टिव शील्ड नहीं है, तो जो भी बातें जब बच्चा छोटा रहता है तो उसको कोई भी बातें कहीं से भी सुनाई पड़ती हैं, तो वही वो काम करते हैं बहुत बार मीट्रोइड्स की तरह से, जैसे मीट्रोइड्स आते हैं मून पे क्रैक्स होल्स बनाते हैं, उसी तरीके से वो अगर कोई कभी पेरेंट्स कभी केयर टेकर्स कभी सराउंडिंग्स में जो भी बातें उस बच्चे के लिए होती है, वो बातें वो बच्चा सब एब्जॉर्व कर लेता है, क्योंकि कोई प्रोटेक्टिव लेयर नहीं है, और एब्जॉर्व कर लेता है, और वो सब बातें उस बच्चे के अंदर एज फ्रोजन मेमोरीज के फॉर्म में सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाती हैं। नाउ व्हाट हैपेंस, दिस इज द अर्थ, अर्थ एटमॉस्फेरिक लेयर, आपको मालूम है अर्थ है और अर्थ के पास अलग अलग लेयर्स हैं, ट्रोपोस्फियर और भी बहुत सारी अलग अलग लेयर्स हैं, तो अगर आप मीट्रियोट्स यहाँ पे आता है तो उसको अर्थ तक आने के पीछे ये एटमॉस्फेरिक लेयर को पार करके आना होता है, तो बेसिकली कोई भी मीटियोर्स कोई भी पत्थर कोई भी डैमेज अगर आता है तो वो एटमॉस्फेरिक लेयर से में ही जल जाता है, तो वो कुछ भी जो चीज भी फेंकी जाती है वो अर्थ तक नहीं आ पाती है। सो दिस इज मतलब अर्थ के पास एक प्रोटेक्टिव शील्ड है, सो दिस इज लाइक व्हेन अ चाइल्ड ग्रोज एज एन अडल्ट, अब जब बच्चा एक एडल्ट बीइंग आ गया है तो वो अपनी प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है, जस्ट लाइक अर्थ, अब बच्चा बड़ा हो गया है तो बच्चा इज लाइक एन अर्थ, और अर्थ का एटमॉस्फेरिक लेयर है, वैसे ही बच्चा बना लेता है अपनी प्रोटेक्टिव लेयर्स बना लेता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मास्किंग, और पहले की उस स्टेज में उसको जो भी हर्ट पेन अनकंफर्टेबल सिचुएशन आई है तो वो अपने को उससे प्रोटेक्ट करने के लिए शील्डिंग बना लेता है। जैसे आपने देखा होगा कि अगर हमारे कोई वूंड है, पैर में अगर चोट लगी है, तो हम लोग उसको बैंडेज करके उसको प्रोटेक्ट करके रहते हैं कि फिर से उस पर चोट ना लगे, सेम इज विद द चाइल्ड, उस बच्चे को बचपन में चोट लगी
उसका वूंड है, तो अब उस वूंड पे वो बच्चा बड़ा हो गया है मगर प्रोटेक्टिव शील्ड बना करके रखा है, और प्रोटेक्टिव शील्ड उसकी क्या है, उसने अपने को मास्क करके रखा है, जैसे कि अब कोई भी बात अगर कुछ करता है तो वो तुरंत रिबाउंड करके उसने अपने प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म बना के रखी है, और उस तरीके से वो काम करता है। सो देखिए, एटमोस्फेरिक लेयर इज लाइक मास्किंग। When the child grows old, it develops a mask to protect itself. मगर एक्चुअल में तो हमने बताया था ना कि आवर सोल इज डिवाइन, हैप्पी, जॉयफुल, वाइब्रेंट, बट सोल तो ऐसा ही है। सोल में तो सारी अच्छी क्वालिटीज है, लिमिटलेस है, और वो सोल जब आता है अर्थ प्लेन पे तो वो बहुत सोच के आता है कि मैं ये काम करूंगा, मैं अपने सोल प्लान का भी काम करूंगा, मैं अपने कर्म भी बैलेंस करूंगा, मैं खूब अच्छी तरीके से अपनी लाइफ लीड करूंगा, आई विल बी अ प्लेफुल पर्सन, आई विल एंजॉय लाइफ, आई विल टेक एवरी थिंग एवरी डे एज अ अपॉर्चुनिटी टू सर्व। मगर होता क्या है, सोल इन क्वालिटीज से, इस इंटेंशन से आता है, मगर जैसे ही वो सोल अब मदर के वूम में आता है, फीटस के फॉर्म में मदर के वूम में आता है, या जब बच्चा बर्थ भी लेता है उसके बाद भी, तो जैसे एनवायरनमेंट की कंडीशनिंग होती है, फॉर एग्जाम्पल अगर मदर बहुत डिस्ट्रेस में है, मदर को बहुत सारी चिंता है, बहुत पेन है, तो वो पेन ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाता है उस बच्चे में, और क्योंकि बच्चा फीटस उसका इट इज लाइक अ मून, उसकी कोई प्रोटेक्टिव लेयर शील्डिंग तो है नहीं, तो वो पेन बच्चा एज इट इज एब्जॉर्ब कर लेता है फ्रॉम मदर। कभी मदर से, कभी थोड़ा बड़ा होता है तो सराउंडिंग से, इस तरीके से होता है। तो हाउ वी सी द वर्ल्ड डिपेंड्स अपॉन आवर चाइल्डहुड। अगर चाइल्डहुड में हमारी बड़ी नर्सरिंग, केयर, लव वाली चाइल्डहुड रही है, तो हमको बहुत कॉन्फिडेंस रहता है, बहुत लव रहता है, एंड वी से दैट वर्ल्ड इज अ ब्यूटिफुल प्लेस टू लिव, और बच्चा बहुत खुश होता है, उसको लगता है जैसी उसकी दुनिया वैसी बाहर की दुनिया। मगर अगर बच्चे को पेन, हर्ट, रिजेक्शन मिलता है, सपोजिंग किसी के यहाँ बेबी गर्ल हुई और उसको चाहिए, उनके पेरेंट्स को चाहिए था कि बॉय हो, और जैसे ही उन्होंने बच्चे को देखा कि लड़की है और उन्होंने बोला अरे मुझे तो लड़का चाहिए था, तो उस बच्चे ने तुरंत पहला, जैसे ही वो अर्थ प्लेन पे आया, पहला रिजेक्शन उसने ले लिया, तब उसके थॉट प्रोसेस में कोई बहुत अच्छा वो नहीं रहेगा, फीलिंग नहीं रहेगी अबाउट द वर्ल्ड। उसे लगेगा कि वर्ल्ड एक ऐसी है जगह है जहां लोग रिजेक्ट करते हैं, जहां बहुत रेजिस्टेंस है। सो हाउ वी सी आवर सेल्स इज ऑल्सो डिसाइडेड इन आवर चाइल्डहुड। अगर चाइल्डहुड में हमको हमारे पेरेंट्स से बहुत लव, पैम्परिंग, अगर ये बोला जाता है अरे यू आर ऑसम, यू कैन डू वंडर्स, तो बच्चे में बहुत कॉन्फिडेंस, बहुत सेल्फ एस्टीम बढ़ता है, बहुत उसमें मोटिवेशन रहता है अच्छा अच्छा काम करने का। मगर अगर पेरेंट्स बोलते हैं अरे तुम तो बहुत बुद्धू हो, तुमसे तो कुछ नहीं होता, तुम कुछ नहीं कर सकते, तो फिर वहां पे ही उस बच्चे का कॉन्फिडेंस, सेल्फ वर्थ, लो सेल्फ एस्टीम डेवलप हो जाता है। और ये सब चीजें फ्रेंड्स इतनी अनकॉन्शियसली होती है, इसमें नाइदर द पेरेंट्स नॉर द एनवायरमेंट, नोबडी इज टू बी ब्लेम्ड फॉर इट। फिर ये एग्जाम्पल तो आप लोगों ने सबने देखा होगा कि वी ऑल नो अबाउट द अर्ली चाइल्डहुड ऑफ एल्बर्ट आइंस्टाइन। जब आइंस्टाइन स्कूल जाने लगे और एक बार उनके टीचर ने लेटर लिख के दिया उनकी मदर के लिए, आइंस्टाइन घर आए, मदर बच्चे थे, मदर को उन्होंने लेटर दिया और माँ ने लेटर पढ़ा, उस लेटर में लिखा था कि योर सन डज नॉट हैव द बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स, वी आर नॉट एबल टू टीच हिम, सो काइंडली इनको आप अपने स्कूल से निकाल दीजिए, बेसिक चीजें उनकी नहीं है ठीक। तो माँ को तो बहुत दुख लगा, आंखों में आंसू आ गए। अब ये आइंस्टाइन बेचारे छोटे से बच्चे थे, उन्होंने पूछा, पढ़ना उनको आता नहीं था, उन्होंने मम्मी से पूछा कि क्या लिखा है मम्मी इस लेटर में, तो माँ ने बोला कि बेटा
उसमें लिखा है कि यू आर सुपर जीनियस, यू आर इंटेलिजेंट और तुमको सब आता है, तो उस स्कूल में तुम्हारे सिखाने के लिए और टीचर्स के पास कुछ नहीं है, तो बेटा तुमको हम ही सिखाएंगे जो भी है। और सी हाउ उनकी मदर का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है उनके चाइल्डहुड में, उनके सेल्फ एस्टीम और सेल्फ वर्थ को बढ़ाने में। और इस थॉट प्रोसेस से आइंस्टाइन बड़े हुए एंड द वर्ल्ड नोज कि उन्होंने किस तरीके से मैजिक और क्या क्या डिस्कवरीज की हैं। सो दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ आवर एनवायरमेंट, ऑफ आवर पेरेंट्स ऑन आवर अर्ली चाइल्डहुड, हाउ वी थिंक, हाउ वी बिहेव। नाउ दिस इज आवर बॉडी होल्ड्स ऑल द थिंग्स, ऑल द हर्ट्स, पेन्स, ऑल द इमोशंस दैट वी हैव एक्सपीरियंस इन दिस लाइफ। सो ये देखिए, हम लोग को सबको मालूम है कि हमारी एथरिक बॉडी है, फिजिकल है, इमोशनल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल बॉडी है। और इस बॉडी में अगर जो भी एक्सपीरियंस हुआ, अगर अभी हमको बहुत अच्छा लगा तो दैट फीलिंग इज ऑल्सो स्टोर्ड इन आवर बॉडी। और अगर किसी की वजह से कि हमको पेन हुआ, दुख लगा, तो दैट इमोशन इज ऑल्सो स्टोर्ड इन आवर बॉडी। सो एज अ चाइल्ड, उस समय जब अगर बच्चा 1 साल का, 2 साल का, मे बी इन द वोम, हो सकता है उसको बोलना नहीं आता है मगर फीलिंग्स बच्चे समझते हैं, तो अगर उस समय बच्चे को कुछ भी रिजेक्शन हुआ है, इमोशनल टर्मोइल हुआ है, तो दैट फीलिंग दैट इज स्टोर्ड इन आवर फिजिकल और इमोशनल बॉडी एंड दैट इज फ्रोजन इन आवर सबकॉन्शियस माइंड। सो पेरेंटल कंडीशनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पेरेंट्स अपने बच्चे से किस तरीके से बिहेव करते हैं, किस तरीके से, जैसे आपको बताया अल्बर्ट आइंस्टाइन का दूसरा एग्जाम्पल बताते हैं कि हिटलर तो सब लोग जानते हैं, और हिटलर की चाइल्डहुड क्या थी, हिटलर का के जो स्टेप फादर थे वो उनको बहुत ज्यादा स्कोल्डिंग, पनिशमेंट, हैरेसमेंट सब चीज होती थी। और फिर तो आप लोग को सबको मालूम है कि उन्होंने एज एन एडल्ट क्या किया, जो चीज उन्होंने उनको रिसीव हुई वही चीज उन्होंने दी। सो उस समय जब बच्चा छोटा रहता है तो उसका माइंड रिसेप्टिव है, इट इज ओपन, इट इज लाइक अ मून, इट हैज नो प्रोटेक्टिव लेयर। आप जो बोल रहे हैं वो सब चीज डायरेक्ट जा रही है, डायरेक्ट सबकॉन्शियस में जा रही है। तो पेरेंटल कंडीशनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। पन्नादाई का हम लोग जानते हैं, उसमें कितने अच्छे से पन्नादाई ने उसको बोला कि आप तो प्रिंस हो, ये राज आपका है, आपको अपने पेरेंट्स का बदला लेना है। और आपने देखा है कि फिर वो प्रिंस जो कि है पन्नादाई, एक गरीब घर में पैदा होके बड़ मतलब चाइल्डहुड से था, मगर उनके एनकरेजमेंट की वजह से बाद में उन्होंने अपना जो पिता का राज छिन गया था उसको वापस ले पाए। सो पेरेंटल कंडीशनिंग और यू कैन से केयर गिवर्स जो कि बच्चों के साथ रहते हैं, केयर टेकर्स, वो क्या बोल रहे हैं, दैट इज सो वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ द सेकेंड कम्स सोशल कंडीशनिंग। तो बच्चा किस स्कूल में जा रहा है, वहां पे टीचर्स क्या बोल रहे हैं, बच्चे की कंपनी कैसी है, उसका वो फ्रेंड्स कौन है, उनका भी इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा रहता है उसकी लाइफ में और उसके बिहेवियर में। तो सोशल कंडीशनिंग भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड तीसरा जो कि वर्स करती है बच्चे की सिचुएशन, दैट इज द ट्रॉमेटिक सिचुएशन। और अगर बच्चा देख रहा है कि उसके पेरेंट्स लड़ रहे हैं, तो अगर उसके पेरेंट्स लड़ रहे हैं तो इट इज अ ट्रॉमा फॉर दैट चाइल्ड। और वो इस ट्रॉमा से निकलने के लिए मतलब वो बहुत अलर्ट मोड में आ जाता है। एंड सेकेंड केस ट्रॉमा ये भी होता है, जैसे कुछ कंट्रीज हैं जहां भी वॉर चल रहा है, अगर वहां पे बच्चा है तो वो एनवायरमेंट में वो जो फियर की फीलिंग्स है वो भी कैच करता है, दैट इज ऑल्सो अ ट्रॉमेटिक सिचुएशन फॉर द चाइल्ड। और इन सब कंडीशनिंग से बच्चा का ऐसी कंडीशन है, क्या पेरेंटल कंडीशनिंग है, क्या सोशल कंडीशनिंग है, कैसी ट्रॉमेटिक सिचुएशन है, तो ये सारे इंफॉर्मेशन वो ले रहा है और वही सब चीजें उसका बिहेवियर शेप करता है एज एन एडल्ट।
फिर ये है इनर चाइल्ड एसेंस इज लॉस्ट। तो आप बताया था जैसे कि इनर चाइल्ड इज डिवाइन, उसमें लिमिटलेस पोटेंशियल है, इट इज वेरी हैप्पी, ग्रेटफुल, फन लविंग, हैप्पी, प्लेफुल, क्रिएटिव रहता है। मगर जैसे ही सोल की तो ये बेसिक क्वालिटीज है, मगर वो जैसे ही फीटस और छोटे बच्चे के फॉर्म में आता है तो वो धीमे धीमे अपना जो ट्रू सेल्फ है वो क्वालिटीज हटती जाती है। और होता क्या है कि उसने इतनी उसकी कंडीशनिंग हुई, कभी किसी ने डांट दिया कि तुम बुद्धू हो, कभी किसी टीचर ने डांट दिया, कभी कुछ ट्रॉमेटिक सिचुएशन हो गई ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द ग्रोइंग ऑफ द चाइल्ड, तो ये सब चीजें होती हैं। तो इनर चाइल्ड जो है वो अपनी एक डिफेंस मैकेनिज्म बना लेता है। अब वो बच्चा जो है ना अर्थ प्लेन पे आ रहा है, तो अर्थ की जैसे एटमॉस्फेरिक लेयर्स होती है ना, उसी तरीके से अब ये बच्चा जो है अपनी प्रोटेक्टिव लेयर्स बना लेता है। तो टू अवॉइड पेन एंड सफरिंग द इनर चाइल्ड विड्रॉज इटसेल्फ एंड एडॉप्ट वेरियस डिफेंस मैकेनिज्म लाइक, उसको लगता है कि अगर मैं गुस्सा होऊंगा तो ये लोग मुझे डांटेंगे नहीं, तो वो गुस्सा होने लग जाता है। आपने कभी बहुत से देखा होगा छोटे बच्चे जो होते हैं थम अंगूठा पीने लगते हैं, तो वो अपने में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जब देखते हैं उनको बाहर अटेंशन नहीं मिल रहा है तो अंदर हो जाते हैं। बहुत बार एज एन एडल्ट पीपल डू लॉट ऑफ ओवर ईटिंग, ओवर ईटिंग भी बहुत सारे केसेस में इमोशनल ईटिंग होती है। सो मेनी ए टाइम्स चिल्ड्रन यूज हेडफोन्स, उनको बाहर का क्योस या ट्रॉमेटिक सिचुएशन या ये सब चीजों की वो डिफेंस मैकेनिज्म अपनी प्रोटेक्टिव लेयर बना लेते हैं कि मैं अब सुनूंगा ही नहीं, और अपने को सेफ करने के ये सब डिफेंस मैकेनिज्म बच्चा जैसे अपनी लाइफ में ग्रो करता रहता है वो ये सब, ये कुछ एग्जांपल्स हैं डिफेंस मैकेनिज्म के, वो अपने प्रोसेस में अडॉप्ट कर लेता है। सो दिस इज द ये जो सर्कल्स हैं, सो इसमें ये सर्कल में देखिए दिस इज द कोर रीजन, कोर रीजन इज द जो हमारा ट्रू डिवाइन बीइंग है, आवर डिवाइन एसेंस ऑफ लव, ऑफ फॉरगिव एंड फॉरगेट, डिवाइन एसेंस, जॉय, प्लेफुल नेचर, ये हमारा कोर है जो हमारा क्या सबका यही रहता है ये कोर रीजन। ये जो सेकेंड सर्कल है दैट इज द वूंड लेयर, ये वाला सेकेंड जो है ये वूंड लेयर है जो कि हमारे एज अ चाइल्ड हमको अलग अलग पेन सफरिंग वूंड जो भी है वो ये सेकेंड लेयर में रहती है। और ये जो थर्ड लेयर है ये प्रोटेक्टिव शील्ड ये बच्चा बना लेता है इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ, मास्किंग कर लेता है। सो एज द चाइल्ड ग्रोज इट डज नॉट शो इट्स ट्रू सेल्फ, अपना सिर्फ 10% को दिखाता है, बाकी वो अपना मास्किंग करके रखता है। सो इनर चाइल्ड वर्क इज नॉट अबाउट मेकिंग आवर पेरेंट्स रॉन्ग, ये इनर चाइल्ड वर्क ये नहीं है कि अरे मैं इस तरह से बिहेव कर रहा हूँ क्योंकि मेरे माँ बाप ने ये नहीं देखा, या हमारा केयर टेकर रिस्पॉन्सिबल है, या हमारा एनवायरनमेंट खराब था। इट इज नॉट अबाउट जजिंग आवर एनवायरनमेंट, केयर टेकर्स और पेरेंट, इट इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग द ट्रूथ अबाउट आवर चाइल्डहुड कि हमारे चाइल्डहुड में ये सब हमारे साथ आया था, एंड हीलिंग इट, हीलिंग द इनर चाइल्ड इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वेन वी नो दैट ऑल दीज थिंग्स हैव हैपन्ड टू अस इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हील इट। और जो हमारा इनर चाइल्ड है ना वो बहुत ईगो सेंट्रिक है, वो ये नहीं चाहता कि वो ये बोले कि मेरे पेरेंट्स ने कुछ गलती की या मेरे केयर टेकर ने गलती की, क्योंकि उसको ये पता है कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए बहुत कुछ किया, तो क्योंकि उसने वो अपने पेरेंट्स को गलत नहीं बताना चाहता है ना अपने केयर टेकर्स को गलत बताना चाहता है, तो वो डिनायल मोड में बहुत बच्चा चला जाता है और वो ही बोलता है नहीं हम मेरी लाइफ में कुछ भी गलत नहीं है, सर एवरीथिंग इज वेरी गुड इन माय लाइफ। सो लेट्स अंडरस्टैंड द व्हाट आर द नीड्स या पॉइंटर्स हैं टू सी वेदर आवर इनर चाइल्ड इज वाउंडेड और नॉट। तो इसमें फर्स्ट पॉइंटर है, इसको बोलते हैं को डिपेंडेंसी बिहेवियर। अब को डिपेंडेंसी बिहेवियर जो है वो आता है, जैसे नाम बताया जाता है,
डिपेंडेंट, मतलब कि हमारा आपको कोडिपेंडेंसी ये हुआ कि हमारा जो चीज है चाइल्ड की जो मेन नीड थी एज अ चाइल्ड वो थी अनकंडीशनल लव एंड नर्चरिंग बाय द पेरेंट्स और बाय द केयर टेकर्स। अगर अनकंडीशनल लव की नीड एज अ चाइल्ड फुलफिल नहीं होती है तो उसका कोडिपेंडेंट नेचर हो जाता है और वो मूव इनवर्ड नहीं कर पाता है बल्कि द चाइल्ड वॉन्ट्स टू मूव आउटवर्ड, सी आउटवर्ड, और वो आउटवर्ड में वो अपने को डिपेंड अपनी आइडेंटिटी को वो डिपेंडेंट करता है किसी फ्रेंड्स की फ्रेंड की आइडेंटिटी से, पर्सन से, प्लेस से, थिंग्स से। जैसे सपोजिंग कोई पर्सन है जिसने बहुत पैसा कमाया है तो बाहर के एक्सटर्नल चीज में को डिपेंडेंसी क्या है, वो अपनी आइडेंटिटी बनाता है कि आई एम सच अ रिच पर्सन, दिस इज माई आइडेंटिटी। जैसे कोई फेमस पॉलिटिशियन है तो उसकी आइडेंटिटी हो जाएगी कि वो एमपी है, मगर व्हाट हैपेंस अगर जब वो अगली बार अगर वो पैसा चला जाता है या एमपी का पोजीशन चली जाती है, देन व्हाट हैपेंस, देन अगर उसने अगर अपनी हैप्पीनेस को ढूंढा है कि माय हैप्पीनेस डिपेंड्स अपॉन माय मनी और माय हैप्पीनेस डिपेंड्स अपॉन माय पोजीशन और माय हैप्पीनेस डिपेंड्स अपॉन आउटसाइड, आप अगर स्कूल का कोई बच्चा है तो अगर इफ आई वन प्राइजेस इन डिबेट्स तो दिस इज माई आइडेंटिटी, आई एम अ गुड डिबेटर, अगर उसने अपनी आइडेंटिटी ये बना ली, क्योंकि अगर उसकी अनमेट नीड ये है जो अनकंडीशनल लव बच्चे को जो चाइल्डहुड में नहीं मिलता है तो उसकी वजह से ये को डिपेंडेंट बिहेवियर उसका बन जाता है, मतलब अपनी आइडेंटिटी वो एज इट इज नहीं रख पाता है, वो डिपेंडेंट हो जाता है ऑन कभी पैसे पे, कभी किसी पीपल पे, कभी किसी थिंग पे, अपनी पर्सनालिटी को डिपेंडेंट कर लेता है। तो दैट टाइप ऑफ अ पर्सनालिटी इज डिपेंडेंट या वो फोकस करता है आउटसाइड पे, अगर मुझे बाहर की ये चीजें मिलेंगी तो आई विल बी हैप्पी। इसका एक एग्जाम्पल है जैसे हाउसवाइफ्स होती हैं, एक हाउसवाइफ है उनके दो बच्चे हैं और हस्बैंड है, तो शी थिंक्स कि कोडिपेंडेंट पर्सनैलिटी अगर वाइफ की, तो वाइफ थिंक्स कि माई हैप्पीनेस इज इन माई चिल्ड्रन एंड माई हैप्पीनेस इज इन माई हस्बैंड, तो शी इज गोइंग ऑन टेकिंग केयर ऑफ द चिल्ड्रेन ऑफ हस्बैंड, और उधर से कोई आदमी कभी पूछ भी नहीं रहा है कि आप कैसे हो, आपने खाना खाया कि नहीं खाया, और शी मगर वो उन सबको इग्नोर कर रही है एंड शी थिंक्स कि ये मेरी ड्यूटी है एंड माई हैप्पीनेस डिपेंड्स ऑन देयर हैप्पीनेस, और करती जा रही है। एंड नाउ वॉट हैपन्स, 45-50 साल के हुए, नाउ हस्बैंड इज टू बिजी, हस्बैंड के पास टाइम नहीं है, चिल्ड्रेन हैव ग्रोन अप, दे हैव गॉन आउटसाइड, नाउ वॉट हैपन्स टू हर हैप्पीनेस, उसने अपनी हैप्पीनेस का को डिपेंडेंट बिहेवियर था, अपनी हैप्पीनेस को डिपेंड कर लिया था ऑन द हैप्पीनेस ऑफ देयर चिल्ड्रेन और देयर बींग, नाउ शी फाइंड हरसेल्फ टू बी वेरी लोनली। And same type of codependent behavior is also seen teenage relationship में होते हैं या husband wife के relationship में होते हैं। तो if a girl breaks up, the boy is shattered because that boy has identified himself with that girl. So उसका world collapse हो जाता है and that boy wants to go to commit suicide. So we see these types of behavior in many youngsters. So they have identified themselves with their lovers. So this is called codependent behavior. And this type of codependent behavior comes from the inner child wound. And wo inner child wound जो कि आपकी as a child आपकी unconditional love की जो कि वो मीट नहीं हुई थी, जो नीड थी एज अ चाइल्ड वो मीट नहीं हुई, तो देयर इज अ चेंज इन द बिहेवियर ऑफ द पर्सन, आउटवर्ड चेंज होता है, मास्किंग कर लेता है, आपको बताया ना कोर है फिर वूंड है सेकंड सर्कल में एंड थर्ड सर्कल में मास्किंग है, तो वो मास्किंग में यहाँ पे को डिपेंडेंट बिहेवियर होता है।
सेकेंड इज ऑफेंडर बिहेवियर. ऑफेंडर बिहेवियर इज व्हाट यू, अगर बचपन में आपको बेलन से मार पड़ी है तो आपका पर्सनालिटी उसी टाइप से बन जाएगा. इसका एग्जाम्पल हिटलर है. हिटलर के स्टेप फादर ने उसको एज अ चाइल्ड बहुत मारा है, बहुत स्कोल्डिंग, बहुत थ्रैशिंग हुई है. एंड सी हाउ हिटलर बिहेव्ड व्हेन ही ग्रू अप. सो एडल्ट के बिहेवियर में यू कैन सी व्हाट इज द इनर चाइल्ड वुंड is there. So that is the offender behavior. Example of this is Hitler. The third is narcissistic behavior. When we are born, we wanted to face the world and we want as a child कि आप जैसे हो, you are perfect. मगर होता क्या है, पेरेंट्स को अगर गर्ल नहीं चाहिए थी, बॉय चाहिए था, तो बोल देते हो. या अगर वो गर्ल है तो उसके बाल लंबे होने चाहिए, अगर इफ शी इज डार्क, अरे गोरा होना चाहिए. सो उस बच्चे को उसी तरीके से, जिस तरीके से वो हुआ है, इट इज नॉट बीइंग एक्सेप्टेड एज इट इज. तो एज एन अडल्ट दिस टाइप ऑफ नार्सिसिस्टिक बिहेवियर इज डेवलप्ड. एंड द फोर्थ इज ट्रस्ट इशू. सो ट्रस्ट इशू में सम, अगर किसी टाइम पे बच्चा छोटा है और आप उसको किसी इमरजेंसी में कहीं छोड़ करके आपको थोड़ी देर के लिए बाहर जाने पड़ा, और एंड दैट चाइल्ड सीज दैट ही और शी इज टोटली अलोन, तो उसमें ट्रस्ट इश्यू आ जाते हैं, इनसिक्योरिटी की भावना आ जाती है. या वो ट्रस्ट इश्यूज हैं, तो दैट टाइप ऑफ ट्रस्ट इश्यूज कैन बी सीन इन मेनी हस्बैंड वाइफ रिलेशंस में. बहुत बार वाइफ हस्बैंड को ट्रस्ट नहीं करती है एज एन अडल्ट, और बहुत ज्यादा लॉक लगा रहे हैं क्योंकि उनको कहीं ना कहीं वो डर रहता है, इनसिक्योरिटी की भावना रहती है. द नेक्स्ट इज मैजिकल बिलीव्स. मैजिकल बिलीव जैसे फेरी टेल स्टोरीज हैं, सिंड्रेला की, स्नो वाइट की. इफ यू आर वाउंडेड एंड यू डेवलप द बिलीव दैट इफ आई अर्न मोर मनी एवरीथिंग वुड बी ओके, अगर बचपन में ये बिलीव आया तो आप बड़े होकर के आप बहुत ज्यादा पैसा कमा भी लेंगे, बट देन टू लाइफ वुड नॉट बी ओके, क्योंकि वो आपका बिलीव था कि इफ आई अर्न मोर मनी एवरीथिंग वुड बी ओके. तो ये मैजिकल बिलीव, मैजिकल बिलीव एंड मेनी ए टाइम्स जैसे रहता है, इफ यू गेट अ गुड हस्बैंड एवरीथिंग वुड बी डन. सो मगर उस गर्ल के केस में ऐसा हुआ, शी मैरिड ट्वाइस थ्राइस, बट देन टू हर कंडीशन वॉज नॉट द सेम. सो दिस इज अबाउट मैजिकल बिलीव, एक्टिंग इन एंड एक्टिंग आउट. एक्टिंग आउट इज इफ यू डू अ मिस्टेक, वी टेल हाउ स्टूपिड आई एम, एंड समटाइम्स यू ट्राई टू पनिश योर सेल्फ फॉर द मिस्टेक्स विच यू हैव डन. लाइक बहुत से लोग होते हैं एडल्ट का बिहेवियर में, दे कट देम सेल्फ, कुछ हाथ में कट कर देते हैं, सिगरेट से अपने को जला लेते हैं. दिस इज एक्टिंग इन, वी सप्रेस आवर सेल्फ, सोलो एवरीथिंग, हाउ कैन आई डू दिस मिस्टेक. एंड लेटर ऑन दे सफर, उन लोग को बैकिंग की प्रॉब्लम होती है, हेडेक्स होते हैं, गैस होती है, एस्थमा होती है. दिस इज एक्टिंग इन, मतलब अगर कुछ भी गलती हुआ तो दे आर नॉट एबल टू फॉरगिव देम सेल्फ. एंड समटाइम्स इट इज एक्टिंग आउट ऑल्सो. उस केस में था कि देर वॉज अ फादर हु यूज टू स्मोक एंड ड्रिंक एंड ही वॉज नॉट गोइंग टू स्पीक आउटसाइड. तो उस लेडी का जो हस्बैंड हुआ, वो भी बाद में दोषी मैरिड, लव मैरिज, और पहले उसका हस्बैंड वैसा नहीं था, बट विद टाइम वो सेम बिहेवियर, सेम पैटर्न्स फॉलो करते हैं. तो अगेन शी और ही ऑल्सो स्टार्टेड बिहेविंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग एंड स्टॉप कम्युनिकेटिंग. सो दिस इज एक्टिंग आउटवर्ड. सो यू नीड टू हील योर सेल्फ. वेन यू हील योर सेल्फ, यू हील योर फ्यूचर थिंग्स. सो दैट इज वाई इनर चाइल्ड हीलिंग इज सो वेरी इंपॉर्टेंट. एंड देन देर इज इंटीमेसी डिसफंक्शन. दिस इज इंटीमेसी डिसफंक्शन में होता है फियर ऑफ
इनगल्फमेंट एंड फियर ऑफ अबैंडनमेंट, इनगल्फमेंट में कि कोई मुझे घेर ना ले, वी वॉन्ट टू लिव अलोन, वी वॉन्ट टू आइसोलेट आवर सेल्फ बिकॉज वी हैव दिस फियर ऑफ इनगल्फमेंट, अगर मैं बहुत लोग के साथ जाऊंगा तो मेरे को ये चीजें करवा लेंगे, एंड समटाइम्स फियर ऑफ इनगल्फमेंट बहुत बार होता है, जैसे जब आप देखते हो कि शादी होती है बेटे की, तो मदर इन लॉ को लगता है कि वो कैसे भी अब मेरा बेटा जा रहा है तो किसी भी तरह से वो पकड़ना चाहती है उनको, और फिर वो जो फियर है, एनीथिंग डन विथ फियर विल क्रिएट डिस्ट्रेस, और ये फियर ऑफ अबैंडनमेंट क्या होता है कि अगर आपको फियर ऑफ अबैंडनमेंट है, सो देयर हैज बीन केस स्टडी जहां पे देखा गया है हस्बैंड वाइफ बड़े अब्यूसिव रिलेशंस में है एंड वाइफ इज गोइंग थ्रू सो मच ऑफ वायलेंस इन हर लाइफ जस्ट बिकॉज शी हैज दिस फियर ऑफ अबैंडनमेंट कि उसको छोड़ के ना चला जाए. सो दीज इनगल्फमेंट अबैंडनमेंट इज कमिंग फ्रॉम द वूंड ऑफ एज अ इनर चाइल्ड नॉन डिसिप्लिन बिहेवियर. सो दिस नॉन डिसिप्लिन बिहेवियर, एडिक्शन एंड एम्प्टीनेस, देयर आर मेनी टाइम्स पीपल हैव एवरीथिंग इन देयर लाइफ बट देन टू दे फील दैट देयर इज अ वॉइड, सो देयर इज एम्प्टीनेस इन देम, एंड एडिक्शन इज नॉट ऑलवेज अबाउट एल्कोहल और सिगरेट्स, इट इज अबाउट कंपल्सिव बाइंग, एडिक्शन इज ऑल्सो अबाउट ईटिंग, सो दिस ऑल्सो कम्स फ्रॉम द वूंड्स एज अ इनर चाइल्ड. सो दीज आर द सम ऑफ द इंडिकेटर्स, और उससे यू कैन आइडेंटिफाई कि वेदर योर इनर चाइल्ड हैज अ वूंड और नॉट. सो एंड बेसिकली इट हैज बीन सीन दैट 99% ऑफ द केसेस में देयर इज सम ऑफ द अदर वूंड इज देयर इन द चाइल्ड, एंड इट इज आवर ड्यूटी टू नो इट, टू हील इट, सो दैट वी कैन ट्रांसफॉर्म आवर लाइफ, वी कैन मूव टूवर्ड्स द हायर एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन. वेन वी ट्रांसफॉर्म आवर लाइफ, वेन वी ट्रांसफॉर्म आवर वूंड्स, वी विल वाइब्रेट एट अ हायर लेवल, एंड देन ओनली वी विल बी कनेक्टेड टू आवर कोर, आवर डिवाइन एसेंस, आवर ट्रू बीइंग, एंड देन वील एक्सपीरियंस लिमिटलेस पोटेंशियल इन आवर लाइफ, अदरवाइज वी आर मूविंग विद द हैंड ब्रेक्स ऑन इन आवर कार. थैंक यू सो मच. डज एनीवन रेजोनेटेड विद एनी ऑफ दीज पॉइंटर्स? जी मैम, थैंक यू. आप है ना ये शेयरिंग बंद. ओके ओके बिल्कुल बिल्कुल, बहुत एक्यूरेट ये स्लाइड्स बनाए आपने, और डेफिनेटली जो चीजें रह गई हैं बचपन में हमें जी पता नहीं चलती है, जी वो हमारे आसपास के लोग, हमारे फ्रेंड्स स्पाउस, वो हमें इस बात का इशारा देते हैं. और जी ये जो आपने वर्ड्स बताए तो इसमें से हम सोच सकते हैं कि हाँ ऐसे हाँ ये जी नहीं है, ये है कि नहीं. पर मेरा अपना आपसे पर्सनल ये मतलब रिक्वेस्ट है, अगर ये स्कोप नहीं है तो उससे सपोज हमें पता चल गया कि मैं खाना इमोशनली खा रही हूँ जैसे, हाँ तो फिर अब इसका मैं मतलब जैसे आपने बोला ना वी हैव टू रेजोनेट एट अ, लेकिन ये एकदम से तो नहीं छूटेगा ना मेरा इमोशनल खाना. नहीं, मैं बता रही हूँ, जैसे ऐसा नहीं है कि जैसे मैं अपना ही बता रही हूँ कि लाइफ है तो लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो आते रहेंगे. कभी कोई सिचुएशन मेरी लाइफ में मेरे साथ हुआ कि आई वॉज इमोशनली ट्रिगर्ड, ठीक है, तो एक हैबिचुअल पैटर्न रहता है कि आप देखोगे जब भी कुछ ट्रिगर रहता है तो आप नॉर्मली ना मीठा खाते हो, मीठा हाँ खाते हो या कुछ भी ज्यादा खाते हो. तो क्या हुआ, मैं वो चीज गाजर का हलवा था, मैंने इतना सारा ले लिया और खाने लगी, खा लिया, खाते खाते में क्योंकि अब क्योंकि अवेयरनेस आ रही है, समझ में आ रहा है, देन आई वॉज एबल टू आइडेंटिफाई यस दिस इज योर इमोशनल ट्रिगर. सो फिर जब आपको पता चलता है ना, देर आर हाँ
एक्चुअली ये इनर चाइल्ड हीलिंग के बहुत सारे मेडिटेशंस हैं, अलग अलग लेवल पे अलग अलग वूंड्स को हील करने के बहुत बहुत प्रोसेसेस हैं इसमें। अच्छा हाँ, तो वो जब पहली पहला मुझे हुआ कि मुझे समझ में आया कि ये देखो, मैं यहाँ पे इमोशनल ईटिंग कर रही हूँ। बहुत से लोग इमोशनल बाइंग करते हैं, मॉल जाके खूब कपड़ा खरीद के आ जाते हैं, क्योंकि उस समय उनको समझ नहीं आता होता है कि मैं अपना इस पेन को जो एडल्टहुड में है कि अभी मैं कैसे करूं। तो मैंने आइडेंटिफाई किया, उसके बाद थोड़ी देर तक तो भी खराब लगता रहा, फिर उसके बाद मैंने अपने से सेल्फ टॉक किया, सेल्फ टॉक किया कि व्हाई एम आई फीलिंग लाइक दैट, व्हाट कैन आई डू टू इम्प्रूव माय हैप्पीनेस। तो जब वो चीज किया तो इट आप इमोशनल कंपल्सिव, जैसे अभी भी मैंने इस बार किया, इमोशनल ईटिंग की, मगर अवेयरनेस में है, तो धीमे धीमे वो चीजें आपकी हटेंगी और आप वेज, और आपको पता चलेगा कि आप किस तरीके से अलग मीन से आप उसको हील कर सकते हो। और ये जो प्लेफुल नेचर है चाइल्ड का ना, जैसे एज वी ग्रो ओल्ड हम लोग हंसना कम कर देते हैं, हम लोग खेलना कम कर देते हैं, हम लोग अच्छे से बात नहीं करते, डांस नहीं करते। तो जो चीज, जो बच्चा जो जो काम करता है, अगर हम बच्चे के साथ बच्चे की तरह से रहें, अगर बच्चा नहीं है तो हम खुद भी बच्चा बन सकते हैं। हमको ये सोचना चाहिए एज अ चाइल्ड, हम लोग जब 8 ईयर्स के थे, 10 ईयर्स के थे, 12 ईयर्स के थे, हमको क्या क्या चीजें पसंद आती थी, और हमको वो चीजें हमने विद टाइम को छोड़ दी है, विद ड्यू टू रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो भी वजह से। तो वो सब चीजें, अगर हमको पेंटिंग करना पसंद है, या अगर हमको लिखना पसंद है, जो भी चीज हमको पसंद है, उसको हम एक चीज तो हफ्ते में एक दिन 1 घंटे के लिए तो कर सकते हैं ना। और वो जी हम व्हेन वी कनेक्ट टू आवर इनर चाइल्ड, सो इट वुड बी लॉट मोर ऑफ फन। जी मैम, जी। मैं कोई और कुछ पूछना चाहता है, लेकिन वंडरफुल वंडरफुल प्रेजेंटेशन, और आपने ये टॉपिक बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट किया है रेनू जी। मुझे लगता था कि सबको ही कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हर्ट पेन सब चीजें रहती हैं, इट रिक्वायर्स हीलिंग। और एक्चुअली आप जब 3 4 बार आप मेडिटेशन करोगे, अपने बिहेवियर को ऑब्जर्व करोगे, तब आपको लगता है हाँ ये चीज तो मैंने इस तरह से की, क्योंकि वो सारी मेमोरीज वी आर नॉट रिमेम्बरिंग। हमारे चाइल्डहुड में 4 ईयर्स या 5 ईयर्स में मेरे साथ क्या हुआ मुझे याद नहीं हो रहा है, मगर बहुत बार एज एन अडल्ट कुछ होता है, तो अगर मुझे एज अ चाइल्ड में कहीं किसी बात पर रिजेक्शन मिला है, और एडल्ट में भी रिजेक्शन कहीं से मिल रहा है, तो आप कनेक्ट कर सकते हो कि दैट रिजेक्शन विच आई एम गेटिंग एज एन एडल्ट, उसका रूट कॉज हमारे इनर चाइल्ड में है। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं विद द इंटेंशन या गाइडेड मेडिटेशन इनर चाइल्ड के, तो आपको समझ में आता, अच्छा ये मेरा वूड था, ये चीजें थी। जी मैम, जी। कोई और कुछ पूछना चाहेगा, या एक बार हम अच्छे से क्लैपिंग कर दें रेनू जी के लिए? बहुत अच्छा थैंक यू सेशन। सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्ते मैम, रेनू मैम को बहुत बहुत थैंक यू। बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग था, मुझे तो और 1 2 3 बार सुनना पड़ेगा, फिर से सुनना पड़ेगा, क्योंकि बीच बीच में मैं बाहर से आ रही थी, कार में भी सुन रही थी, थोड़ा सा छूट गया, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और समझने वाली बात है। ताकि उसको और ट्रांसफॉर्म करे अपने आप को, उसको आगे ना बढ़ाए, जो हमारी ऊंड है वो क्या फिर किसी बच्चों को पासान कर देते हैं या किसी और को पासान करते हैं अगर हील नहीं किया तो। लेकिन आज आपका सुन के ऐसा लगता है उसको वो करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी का वो होता है ना, फ्यूज करना पड़ेगा। जी, आप लोग बोलेंगे तो मैं एक दो बार गाइडेड मेडिटेशंस उसके इनर चाइल्ड के करवा दूंगी आप लोग को। मैं अभी रिक्वेस्ट ही करने वाली थी, आप एक दो बार आके, वो एक दो बार नहीं और ज्यादा जितने बार भी आ सकते हैं आके आप मेडिटेशन करवाइए। जी, ठीक है, ओके, वेरी गुड प्रेजेंटेशन। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू, आपने बहुत ही अच्छा बोला। मैंने आज तक कई बार सुना था इनर चाइल्ड के सेशंस होते हैं और वो सबको करने चाहिए, बट आई नेवर रियलाइज्ड कि ये मतलब हमारे साथ इतना ज्यादा लिंक्ड है।
मैं कभी भी नहीं समझ पाई इस बात को. आज मुझे रियलाइज हो रहा है कि यस देयर आर सो मेनी थिंग्स कि जो हम अपने से कोरिलेट कर सकते हैं, अपने आप को देख के पता लगा सकते हैं कि कहाँ पे कौन सी हैबिट हमने किस वजह से अडॉप्ट की है. रियली जी वेरी नाइस थैंक यू सो मच. थैंक यू थैंक यू। एक्चुअल में यही सेम कॉन्सेप्ट मुझे भी ऐसा लगता था कि मेरे पेरेंट्स ने तो मुझे बहुत अच्छे से पाला है, मुझे इनर चाइल्ड हीलिंग की कोई जरूरत नहीं है। मगर जब मैंने खुद किया तो वो बोला ना, वो कोई ना पेरेंट्स की ना केयर टेकर्स की किसी की भी गलती नहीं रहती है। बहुत बार एनवायरमेंट पर किसी के ऑटोमेटिक चीजें हो जाती हैं। तो जब मुझे समझ में आया कि अरे बाप रे, इतनी हीलिंग की तो मुझे जरूरत थी, तो इसीलिए मैंने अनुराधा जी से बोला कि ये इनर चाइल्ड करेंगे, क्योंकि सभी का कुछ ना कुछ पार्ट रहता ही है, उसमें हीलिंग की जरूरत है। क्योंकि हम ब्लेम मोड में बहुत जल्दी चले जाते हैं. हम जी फटाफट कह देते हैं हाँ ये मेरे पेरेंट्स में ये कमी थी इसलिए मुझ में आई, बट नहीं देन वी नहीं डोंट रियलाइज कि ये हम हील कर सकते हैं. जी वट एवर इज जो उन्होंने किया वो उस समय उनकी रिक्वायरमेंट रही होगी, और जी जो हम अब कर सकते हैं वो तो हमें करना चाहिए. जी जी तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल अगर आप कभी ऐसी मेडिटेशंस करवाओगे तो. जी थैंक यू सो मच ये थैंक डॉक्टर यू. ब्रूस लिप्टन ने ना एपिजेनेटिक्स का पे स्टडी किया है, और उन्होंने बोला कि जैसे बोलते हैं ना कि चाइल्ड का जो जीन्स रहता है, तो इट इज नॉट 100% कि चाइल्ड विल नॉट बिहेव 100% अकॉर्डिंग टू इट्स जीन्स। उसका एनवायरनमेंट, उसकी कंडीशनिंग, उसका परसेप्शन टुवर्ड्स लाइफ, वो भी डिटरमिन करता है कि वो उसका आउटवर्ड बिहेवियर एज एन एडल्ट कैसा रहता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो चीज हमारे कंट्रोल में वो तो हम लोग ठीक कर सकते हैं ना। बिल्कुल 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 थैंक यू सो मच. थैंक यू। आई वुड लव टू डू द मेडिटेशन जब भी आप बोलोगे। श्योर श्योर मैम मैं आपसे टाइम ले लेती हूँ, नहीं तो नेक्स्ट मंडे 4 बजे ही रखेंगे। जी ठीक है। तो अनघा, मधुलन जी, पल्लवी मैम, हाँ जी, थैंक यू नमस्ते। मैम. थैंक थैंक यू थैंक यू मैम. थैंक यू थैंक यू यू। बहुत अच्छा था. थैंक बहुत यू. ही अच्छा। आप लोग प्लीज एक बार और वो जो पॉइंटर्स है उस पे देखिएगा, और अपने लिमिटिंग बिलीफ पे सोचने की कोशिश कीजिएगा कि कौन सा, जिस एरिया में अगर आपको थोड़ा लग रहा है कि मेरे चैलेंजेस हैं, उस एरिया में सोच करके लिखिएगा, तो क्योंकि तब हीलिंग में आपको आसानी पड़ेगी और ज्यादा। हाँ, और ध्यान में भी पड़ेगी। हाँ जी हाँ, लिमिटिंग बिलीफ तो चेंज हो सकती है। जी जी मैम, जी जी थैंक यू थैंक रेनू यू। मैम, मुझे एक अपने, मैं राजश्री, मुझे जी अपने बिलीफ के बारे में आपसे समझना था. जी मैं अपने फैमिली में सबसे एल्डेस्ट डॉटर हूँ. जी फादर सबसे बड़े हैं और मैं सबसे बड़ी हूँ. तो मुझे हमेशा घर में यही सुनने को कहा मिलता था कि आप जैसा करोगे आपके छोटे भाई बहन भी वैसे ही करेंगे. जी तो कुछ मुझे मैंने मतलब बचपन में एक बिलीव बना लिया था कि बड़ों को तो सिर्फ आइडियलिज्म और परफेक्शनिस्ट होना चाहिए, और प्यार तो सब कोई छोटों को ही करते हैं. तो देखिए इसका मेरी लाइफ में फर्दर ये इम्पैक्ट हुआ कि मैं हमेशा, जैसे मेरी शादी हुई, सगाई हुई, तो मुझे पता चला मैं छोटी हूँ. तो मैं बहुत खुश हुई कि अब तो मैं अपना मन मिलेगा। मर्जी कर सकूंगी. किंतु लकीली कुछ ऐसा था कि सिचुएशन कि मैं यहाँ आके भी बीइंग अ यंगर वन, आई हैव टू बिहेव लाइक अ एल्डर वन. तो देख मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरा ये बिलीफ का क्या इम्पैक्ट हुआ. ये बाद में शादी के बाद भी मैं थोड़ा ये बुलमिया में आ गई थी, जो आपने कहा ईटिंग, क्योंकि हाँ मेरा गुस्सा, पहले मैं बहुत गुस्सा करती थी. तो जब मैं स्कूल में थी तो मुझे जैसे क्लास 10 पे अपने को मिलता है ना टाइटल मिलता है, तो कहते थे कि कौन कहता है हिटलर मर गया. तो मैं, मुझे इस बात से भी बहुत तकलीफ होती थी, किंतु जी बाद में मुझे लगा अच्छा ठीक है ना, मैं तो हूं ऐसी, सब मुझसे डरते हैं तो अच्छी बात है, जिसको मुझे नहीं चाहिए वो मेरे से दूर रहता है. किंतु बाद में धीरे 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 मुझे वो चीजें कम अच्छी लगने लगी. अब मुझे जाके लगता है कि खैर जो हुआ बचपन में वो अच्छा ही हुआ,
क्योंकि मैं बहुत ज्यादा आउटस्पोकन नहीं हूँ, तो मैं बोली अच्छा है दूर में लोग मेरे से दूर ही रहते। तो ये बुलमिया तो अब धीरे धीरे समझ आ गया था जब से मैंने इनर चाइल्ड के बारे में जाना था, किंतु अभी भी पूरा ठीक नहीं हुआ है। तो मैं आपसे ये समझना चाह रही थी कि ये जो थॉट मेरी बनी थी, बिलीव बना था बड़े छोटे का, वो आपको ही चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आपका पहले बचपन से कंडीशनिंग हुई है कि जैसे बड़ा करेगा वैसे ही छोटे लोग फॉलो करेंगे, और बड़े को तो आइडियलिस्टिक बिहेवियर रखना होता है, छोटे लोगों को सारा लव मिलता है, ये आपका बिलीफ है। और क्योंकि आपने ये बिलीव कर रखा है कि छोटे लोग जो छोटे हैं वो लोग हकदार हैं प्रेम के और बड़े नहीं है, ये आपने बिलीव बना के रखा है। तो क्योंकि आपने आपका जो बिलीव रहेगा, यूनिवर्स पूरा वही चीज आपकी लाइफ में क्रिएट करके रखेगा। तो आपको ये अपना बिलीव को चेंज करना पड़ेगा, और ये बिलीव जो आपका पुराना बिलीव है, कम से कम आपने 100 200 500 बार बोला होगा या सोचा होगा, तो उससे ज्यादा बार आपको ये बोलना पड़ेगा, आई डिजर्व लव, आई एम रिसीविंग लव, आई एम केपेबल ऑफ रिसीविंग लव, और मैं बहुत अच्छी हूं, आई एम अ लवेबल पर्सन। मतलब हिटलर क्यों, एंगर और गुस्से वाला क्यों ना, लव में भी तो रह सकते हैं ना अपने। बेसिकली दो इमोशंस डोमिनेट करते हैं, या तो फियर के या लव के। तो लव की जब इतनी हाई फ्रीक्वेंसी है ना, लव में वाइब्रेट करने से सारा काम बहुत इजीली और आसानी से हो जाता है, लाइफ बहुत इजी रहती है। आपको ये एफर्मेशंस को बहुत बार बोलना पड़ेगा, मेडिटेशन में, दिन में, रात में, जितनी ज्यादा बार आप इस चीजों को बोलेंगे, तो तब वो आपके अभी सबकॉन्शियस में घुस गया है वो, कि एडल्ट को ऐसा बिहेवियर होना चाहिए। एडल्ट जो एल्डर है, दे आर आल्सो, दे डिजर्व आल्सो लव, दे डिजर्व रिस्पेक्ट। आप काम करो, मगर आप भी तो फन लाइफ को एंजॉय करना आप भी तो डिजर्व करते हो, बल्कि आप तो वैसा ट्रेंड बना सकते हो, लाइफ इज टू बी लिव्ड फुल्ली एंड एंजॉयड फुल्ली। लाइफ में रिस्पेक्ट बहुत मिला, किंतु जी एक प्लेफुलनेस एंड लव एंड प्लेफुलनेस वाला चीज है ना, जी उससे हमेशा उसका क्रेविंग रहा। तो वो देखिए, डिवाइन एसेंस जो है हमारे अंदर का जो सोल है, उसका तो सबसे मेन रिक्वायरमेंट ही यही है। तो वो चीज आपको लाइफ में, आपको एफर्मेशंस बोल करके अपने पुराने बिलीफ को हटाना है और नए बिलीफ को इनकॉर्पोरेट करना है अपने लाइफ में। वो चीजें आपको लाइफ में खुद से शुरू करनी है। यू क्रिएट योर ओन लाइफ, ये बोला है ना पत्री जी ने, आप अपनी लाइफ के क्रिएटर हो, तो आप अपनी लाइफ को आज भी चेंज कर सकते हो अपने बिलीफ से। आप जो मेरे चैनल पे ना बिलीफ वाला है, मैंने और मेरी डॉटर ने किया, उसको प्लीज आप सुनिएगा, तो आपको समझ में आएगा। उसमें बहुत सारे एग्जांपल्स में बताया कि किस कितने हर एरिया में, हमारी हेल्थ में, हमारे रिलेशनशिप में, मनी में, फ्रेंडशिप में, हर जगह जो हमारी लाइफ गवर्नड है हमारे बिलीफ सिस्टम के हिसाब से, जो हमने बचपन में, या कोई सपोजिंग हमारा एक्सपीरियंस हुआ, कुछ खराब एक्सपीरियंस हुआ, तो हमारा एक बिलीफ बन गया, नहीं ये चीज तो ऐसी हो ही नहीं सकती, बस हमारा बिलीफ बन गया, तब तो आप समझ लीजिए आपकी लाइफ में वही घूमता रहेगा जब तक आप उसको कॉन्शियसली चेंज नहीं करोगे। ये जनवरी का महीना है, इस साल कम से कम आप अपना ये बिलीफ चेंज करिए ना, पूरे साल भर में चेंज हो जाएगा, इसी पे वर्क ठीक कीजिए। है मैम। जी मैम, ये आप वैसे ग्रुप में हैं मैम, तो मैं आपको बता दूंगी, आप डाल दीजिएगा ग्रुप में आपने जो ये बिलीफ सिस्टम वाला। आप लिंक डाल दीजिए, एक लिंक हाँ डाल ठीक है, दूंगी। लिख डाल। मधुलिन मैम पूछना चाह रहे हैं, कुछ बोलना यस चाह मैम, मुझे कुछ पूछना था। थैंक यू रहे रेनू मैम। हैं। ये थैंक टॉपिक तो बहुत ही इंटरेस्टिंग था, सभी लग रहा था जैसे हमारे साथ हो चुका है, ये सभी हम महसूस कर रहे हैं। जी बहुत ही अच्छा लगा मैम। जी मुझे एक डाउट है, हमारे पेरेंट्स लोग तो हमें जैसे बढ़ाया बढ़ाया, लेकिन अभी हमारा टाइम है, हम भी बढ़ा रहे हैं हमारे बच्चों को। जी वो जो जैसे उन्होंने बढ़ाया हम ऐसा नहीं बढ़ा रहे, वो तो हमारे लिए स्ट्रिक्ट थे या कुछ हाँ भी थे, वो थे। अभी तो हम स्ट्रिक्ट नहीं है, हाँ अनकंडीशनल लव दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं।
लेकिन डर भी लग रहा है इतना प्यार पाके कहीं बच्चा बिगड़ ना जाए थोड़ा। टॉपिक पे ठीक से बोला नहीं, नर्चरिंग डिसिप्लिन। यस मैम, वही थोड़ा डर लग रहा है कि कहीं बिगड़ ना जाए ज्यादा प्यार के वजह से। नहीं डिसिप्लिन, अब वो जब ऐसे इनर चाइल्ड की और क्लासेस चलेंगी ना तो उसमें मैं बताऊंगी ना नर्चरिंग डिसिप्लिन क्या होता है। आपको बच्चे को अनकंडीशनल लव देना है मगर डिसिप्लिन में भी रखना है। वही मैम, वो थोड़ा डाउट आ रहा था क्या करे, प्यार भी करे और मार भी नहीं लगाए तो कैसे चले। पहला रास्ता है ना सबका। वही जी, वही थोड़ा और थोड़ा आप आइए, उसके बारे में हमें थोड़ा मेडिटेशन करवाए, बहुत अच्छा लगा मैम, थैंक यू जी सो मच। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है मैम, तो सभी के रिक्वेस्ट पे अगले सोमवार को भी 4 बजे आप अपने आप को थोड़ा फ्री रखें। जी, मैं मेडिटेशंस और इससे करूंगी। जैसे आप लोग अपना कौन सा अनहील्ड पार्ट है उसको समझेंगे तो फिर आगे उसको हीलिंग का प्रोसेस में इजी पड़ेगा आपके लिए। जी मैम, बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। तो जी 4 बजे फिर मिलते हैं सोमवार को आपसे, जी और थैंक यू बहुत थैंक ही वंडरफुल 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 सेशन रहा, एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो थैंक यू मच। मैम, थैंक यू वेरी मच, थैंक थैंक यू यू थैंक यू थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। थैंक यू।